हरियाणा के सरकारी स्कूलों की जल्द ही कायापलट होगी, इसके लिए प्रदेश सरकार ने रूपरेखा तैयार कर दी है, जिसके तहत स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। स्कूल को जाने वाले रास्ते बनाए जाएंगे, चार दीवारी बनाई जाएगी, साफ सुथरे शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इस योजना को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल के ब्लॉक व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के जगाधरी विधानसभा के जगाधरी ब्लॉक को चुना गया है। वहीं इसे लेकर जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये सारे कार्य SMC द्वारा करवाए जाएंगे, उन्हीं के खाते में पैसा डाला जाएगा। हमने करनाल को चुना और जगाधरी को चुना। करनाल में हमने ड्यूल टैक्स के लिए किया, हमने कहा कि SMC ही खरीद करेगी, हम नहीं खरीद करेंगे। SMC देखेगी उसकी जरूरत क्या है, SMC पूरी खरीद करेगी, हमारा टीचर होगा साथ, वो होगा, सारे के सारे बैठ के उसको विचार करेंगे, उसमें करेंगे कि हमने कितना ड्यूल टैक्स चाहिए। और हमने कहा कि आप कितने तक कर देंगे, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक हम सारा का सारा खरीद लेंगे। हमने कहा कि हम सारा पैसा रोक देंगे, और करनाल ने वो सारा का सारा एस्टिमेट हमें भेज दिया, हम निश्चित तौर से 5 तक कर लेंगे। वो मेरे ख्याल 4.5 करोड़ या 5 करोड़ रुपए का ड्यूल टैक्स है, वो सारा उन्हें हमें दे दिया, हम उनके पैसे अकाउंट में डाल देंगे, जल्दी वो खरीद लेंगे। और जगाधरी में, जगाधरी में जो अलग रखा, जगाधरी में हमने सिविल वर्क रखा, हमने कहा कि अगर जो मैंने बताया दिया वही सारा का सारा कि इससे ड्यूल टैक्स ने छोड़ के बाकी जो भी काम है वो सारे के सारे मैंने जगाधरी में रखे और उनसे कहा कि आप। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये अगर पूरी तरह कामयाब रहा तो इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा और साल के अंत तक ये कार्य पूरे हरियाणा में अलॉट कर दिए जाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा के स्कूलों में संस्कृत मॉडल स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत मॉडल स्कूलों की शिक्षा इतनी अच्छी है कि मुख्यमंत्री तक से इन स्कूलों में दाखिले के लिए सिफारिशों के प्रयास तक किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 34A की जगह RTI लागू किए जाने से हरियाणा के 10% की बजाय 25% बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया जा रहा है। 34A को समाप्त कर दिया और हमने RTE को लागू कर दिया। क्यों RTE लागू करी, इसलिए कि क्योंकि उसमें 25% बच्चों का एडमिशन हो सकता है, इसमें 10% बच्चों का एडमिशन होता है। उसमें जो केंद्र सरकार है वो 60% खर्चा केंद्र सरकार वहन करती है, इसमें सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट करती है। हमारे मन में विचार आया कि जितना पैसा खर्च के हम 10% बच्चों को पढ़ा रहे, इतने ही पैसे खर्च करके हम 25% बच्चों को खर्च के हम 10% बच्चों को पढ़ा रहे, इतने ही पैसे खर्च करके हम 25% बच्चों को पढ़ा लेंगे, मौका मिलेगा, तो हमने RTE को लागू। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि करनाल के लिए 4.5 करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है, जल्द ही पैसा संबंधित SMC के खातों में चला जाएगा। वहीं इस पायलट प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सभी सुविधाओं को पूरा करने के लिए डाटा तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।